अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूब रोज़ के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है। इसके फूलों में से जो है वो बहुत धीमी धीमी सी मीठी मीठी सी जो है वो खुशबू निकल कर आती है। तो आज हम इस पौधे के बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरह से जो है वो ग्रो किया जाता है और हम अपने घर में इसको किस तरह से जो है वो उगा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्यूब रोज एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, जो कि हमारे घर में खूबसूरती में इजाफा भी करता है और घर में जो है वो खुशबू भी महकाता रहता है। इसके जो फूल होते हैं वो अक्सर जो है वो बुके में इस्तेमाल किए जाते हैं और शादी ब्याह में भी जो है वो इसके फूलों का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मोगरा का और गुलाब का किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, खुशबूदार पौधा होता है। इसमें आपको डबल पेटल और सिंगल पेटल में ये आपको बासानी नर्सरी पे मिल जाएगा। तो चाहें तो आप पौधा ले सकते हैं या चाहें तो इसको जो है वो घर में आप ग्रो कर सकते हैं। तो जानते हैं किस तरह से ये ग्रो होता है। ये ट्यूब के ज़रिए जो है वो ग्रो होता है। इसके जो है वो मिट्टी में बल्ब बनते हैं, जिस तरह प्याज होती है इस तरह से जो है वो इसके ट्यूबर्स बन जाते हैं नीचे मिट्टी में, तो उसके थ्रू ये जो है वो ग्रो होता है। तो वो ट्यूबर्स जो है वो आप नर्सरी से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन काफ़ी सारे स्टोर्स हैं जहाँ से आप जो है वो इनको ख़रीद सकते हैं, तो बहुत ही लो प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो इसके जो है वो सीड्स नहीं होते हैं, इसको बल्ब से ही ग्रो किया जाता है, बल्ब ही लगाए जाते हैं इसके। तो ये गर्मियों का पौधा होता है, गर्मियों के सीज़न में जो है वो इसको लगाते हैं। बल्ब लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो बल्ब होता है वो बाहर के मौसम में लगाया जाता है, स्प्रिंग में जब गर्मी स्टार्ट हो रही हो, तो उस दौरान जो है वो उसके बल्ब जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी ग्रोथ मार्च से अप्रैल के महीने में स्टार्ट हो जाती है, पत्ते जो है वो ये निकालना शुरू कर देता है और धीरे धीरे पौधा जो है वो बड़ा भी होता रहता है। और फ्लावरिंग जो है वो उसके अंदर थोड़ी लेट होती है, इसको तकरीबन फूल आने में 3 से 4 जो है वो महीने लग जाते हैं। 3 से 4 महीने में ये अपनी फ्लावरिंग को जो है वो स्टार्ट कर देता है, साल में जो है वो एक ही बार ये फ्लावरिंग करता है। तो जब इसका सीज़न पूरा हो जाए, जब सर्दियाँ आना शुरू हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जब महीना शुरू हो जाए, तो इसकी ग्रोथ जो है वो जब रुक जाती है, तो आप इसके बल्ब को जो है वो निकाल के कहीं शेडी एरिया में इंडोर आप जो है वो इसको स्टोर करके रख लें। ऐसी जगह पे आपने रखना है जहाँ पर जो है वो नमी ना हो और उस जगह पे जो है वो ज़्यादा गर्मी भी ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, तो उस जगह पर जो है वो आपने इसको रख देना है। जिस तरह हम प्याज रखते हैं स्टोर करके, इसी तरह जो है वो इसको भी आप जो है वो रख सकते हैं। तो इसके ट्यूबर्स को जो है वो आपने मिट्टी के अंदर नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे ये होगा जब आप इसको दोबारा लगाएंगे, तो जब इसका जो है वो सीज़न स्टार्ट होगा, जब इसके अंदर से पत्ते निकलेंगे दोबारा, तो इसके अंदर जो फ्लावरिंग है वो बहुत कम होगी। तो इनके ट्यूबर्स को इसलिए निकाल लिया जाता है ताकि इनके जो ट्यूबर्स हैं उनको थोड़ा सा आराम मिल जाए, रेस्ट मिल जाए, आने वाले साल के लिए दोबारा से जो है वो ये रिकवर हो जाए, हेल्दी हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब इनको दोबारा लगाया जाता है मिट्टी के अंदर, तो ये खूब अच्छे से जो है वो फ्लावरिंग भी करते हैं फिर। तो इसके अंदर जो है वो एक ही कलर मिलता है, वाइट कलर। तो ट्यूबर्स जो है वो ग्रो हो गए हमारे पास, हमने जान लिया किस तरह से जो है वो इनको ग्रो किया जाता है। अब जानते हैं इसकी केयर के बारे में, किस तरह जो है वो इसकी केयर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी पर, कि कौन सी मिट्टी में इसको लगाना चाहिए। तो मिट्टी आप इसके अंदर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास मिट्टी हो। वैसे इसके लिए मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें पानी खड़ा ना रह पाए, फ़ौरन से ड्रेन हो जाए। जैसे कि बालू रेत होती है, बहुत ज़बरदस्त मिट्टी होती है वो, उसके अंदर पानी जो है वो खड़ा नहीं रह पाता है। तो वेल ड्रेन मिट्टी में आपने जो है वो उसको लगाना है। अब बात करते हैं पानी पर, कितना पानी इसको देना चाहिए। तो पानी जो है वो इसको कम देना चाहिए, क्योंकि ये ट्यूबर प्लांट है, इसलिए जो है वो उसको पानी की कम ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो इसके जो ट्यूबर्स हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर पौधा जो है वो आपका मर जाएगा। इसलिए पानी जो है वो उसको कम देना चाहिए, क्योंकि इसके ट्यूबर्स में जो है वो खुद का मॉइस्चर जो है मौजूद होता है। तो बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, कौन सा फर्टिलाइज़र जो है उसको देना चाहिए। तो कोई सा भी आप फर्टिलाइज़र इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल या ऑर्गेनिक, जो भी आपको बेहतर लगे। केमिकल के अंदर आप एनपीके इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक में वही काउडंग, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, या आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं महीने में एक बार, क्योंकि इसको जो है वो खाद की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हमसे जो है वो ये ज़्यादा खाद भी नहीं मांगता है पौधा। तो खाद देना चाहें तो महीने में एक दफ़ा जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने इंच का आपका गमला हो, उतने दाने आपने केमिकल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके डाल देने दानेदार वाली, और ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक मुट्ठी आपने 12 इंच के गमले के अंदर डालनी है, और हल्के हल्के से मिट्टी के ऊपर से गोटी कर देनी है, पानी दे देना है। तो बात करते हैं पेस्ट की, कि इसके अंदर जो है वो पेस्ट वगैरह टेक करते हैं या नहीं। तो इसके अंदर कोई इतनी जल्दी पेस्ट वगैरह हमला नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तो इसलिए जो है वो इसके अंदर कोई पेस्ट वगैरह भी जो है वो इतनी जल्दी अटैक नहीं करता है। तो बात करते हैं गमले की, कितना बड़ा इसको गमला देना चाहिए। तो गमला आप इसको 10 से 12 इंच का गमला दे सकते हैं। तो ये मिट्टी में जो है वो अपने ट्यूबर्स को फैलाता रहता है, ज़्यादा घिराई वाला गमला इसके लिए ज़रूरी नहीं होता। बस आपने 10 से 12 इंच का गमला इसको देना है, उसमें भी बहुत अच्छी सी जो है वो ये ग्रोथ करता रहेगा, अपने ट्यूबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करता रहेगा। अगर आप एक ट्यूबर इसका लगाते हैं तो ये आने वाले सालों में ये काफ़ी सारे ट्यूबर जो है वो मिट्टी में बना लेगा,
तो उससे जो है आपके पास काफ़ी सारे पौधे बन जाएंगे। एक ट्यूबर से ये काफ़ी सारे जो है वो ट्यूबर्स बना देता है। तो अब बात करते हैं धूप की, कितनी धूप इसको देनी चाहिए। आप इसको 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दें तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट को जो है वो डायरेक्ट धूप पसंद होती है। 7 से 8 घंटे की इसको धूप आपने देनी है तो ये अच्छे से जो है वो चल पाएगा, फ्लावरिंग अच्छी करता रहेगा। और सुबह मॉर्निंग की धूप दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस आपने इसको जो है वो गर्मियों के मौसम में, जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे जैसे कि मई और जून के महीने में, आपने इसको उठा के शेडी एरिया में रख देना या किसी ग्रीन नेट के नीचे रख देना, जहाँ पर इसको सुबह की सिर्फ 3 से 4 घंटे की या 5 घंटे की धूप लगे सुबह मॉर्निंग की। और बरसात से भी आपने इसको बचाना है, ज़्यादा अगर बरसात होने लगे तो आपने इसको जो है वो किसी शेड के नीचे रख देना है, जहाँ पर इसको बारिश का पानी ज़्यादा ना मिले। अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो खैर है, तो इसके लिए अच्छा है, इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होने लगी और इसके गमले में पानी खड़ा रहने लग गया तो फिर इसके लिए जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, इसके जो ट्यूबर्स हैं वो गल सकते हैं। तो ज़्यादा बारिश से भी आपने इसको बचाना है। तो बस यही आज की मेरी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो अपने घर में आप भी लगाएं पौधा, बहुत खूबसूरत पौधा है, बहुत आसानी से ये नर्सरियों पे मिल भी जाता है और हमारे घर में जो है वो खूबसूरती भी लाता है और खुशबू भी लाता है। तो बस यही आज की मेरी वीडियो थी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।